अपेक्षा ठिकाणी उभारून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. श्री मोहम्मद जावेद जी. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये रेलवे बजट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और अफसोस की बात है अभी माननीय मंत्री जी नहीं है. लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है सर कि बिहार के लिए इसमें लगभग कुछ भी नहीं है. और हम सब जानते हैं कि गरीब लोग रेल की सफर करते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में जो रेल भाड़ा है, रेल किराया है, वो 4 से 5 गुना बढ़ गया. जब हमारी सरकार थी 2004 से 2009 में तो पैसेंजर फेयर कभी नहीं बढ़ा. लालू जी हमारे माननीय मंत्री थे उस दौरान, आप जानते होंगे कि कहीं पे रेलवे फेयर नहीं बढ़ा. तो मेरी गुजारिश होगी कि जो गरीब जनता है उसका ध्यान रखें. और जिस तरह प्लेटफॉर्म टिकट को 5 से 50 कर दिया गया है, उसको कम करने की ज़रूरत है और फेयर को भी कम करने की ज़रूरत है. उसके अलावा जो सुविधाएं देनी चाहिए रेल सेवा में, उसमें भी कुछ जोड़ने की ज़रूरत है. बड़ी खुशी होती है कि जब बात करते हैं कि 2,40,000 करोड़ इसमें खर्चा किया जाएगा, तो उसको कहाँ खर्चा किया जाएगा. आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सर, जब ये सरकार नहीं बनी थी या नहीं बनी थी, तब हम लोगों ने बुलेट ट्रेन की बात सुनी थी और कहा गया था कि 60,000 करोड़ के लागत से बुलेट ट्रेन बंबई से अहमदाबाद तक जाएगा. और उसका 2 साल पहले तक हम लोग सुनते थे वो 60,000 करोड़ 110,000 करोड़ हो गया है. और अभी तक कुछ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. और कितना खर्च हो रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है. तो खैर, इस पे ना जाते हुए मैं आपको बिहार के 3 महत्वपूर्ण इलाके के बारे में, जो 2009 में तय किया गया था और खोला गया था, वहां देखते हुए वहां की जरूरतों को देखते हुए, जो यूपीए के वक्त में खोला गया था, रेलवे प्रपोजेस टू सेटिंग अप 3 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बिहार. डीजल लोकोमोटिव खोलना था मरोरा में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खोलना था मधेपुरा में, कोच फैक्ट्री छपरा में खोलना था. मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने यहां पे जो सुविधा है उसका अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दूसरा, अभी जो पता चल रहा है कि 400 वंदे भारत चलाया जाएगा हिंदुस्तान में, तो 400 जो बनाया जाएगा सर, टारगेट है 104 रेक बाय 2024 करने का, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही अभी तक उपलब्ध करा गया है. और इसके वजह से ये 4 गुना हो जाएगा. तो विल इट बी फीजिबल, इज इट पॉसिबल टू हैव दोज मेनी रेक्स इन अवेलेबल फॉर दीज मेनी ट्रेन्स, ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से. और मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जगह कम है, तो सीमांचल का एरिया है, वहां पे लगाने की जरूरत है. वहां के जो यूथ हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके काम करते हैं, उनको वहां काम मिलेगा. इसलिए ये अगर माननीय मंत्री जी करना चाहेंगे तो बिहार में थोड़ी बहुत तरक्की आ सकती है. इसके अलावा हमारा एरिया सर, एक बहुत पुराना काम था गलगलिया से जलालगढ़, उसमें अभी तक कोई फंड रिलीज नहीं हुआ. जो हमें जानकारी मिली, 1,000 रुपया एक टोकन मनी उसमें एलोकेट किया गया. मेरी गुजारिश होगी कि इस पे भी, चूंकि 2.4 लाख करोड़ की बात हो रही है, तो इसको भी काम शुरू होना चाहिए. उसी तरह गलगलिया अररिया एक प्रोजेक्ट रेलवे लाइन बिछाने की चल रही है, उसमें जो कंपनसेशन मिलना था जमीन वालों का, वो सही तरह से नहीं मिल पा रहा है. मेरी गुजारिश होगी कि उसमें भी उनको जो सही उनकी कंपनसेशन है लोगों को मिलनी चाहिए. इसके साथ साथ किशनगंज सर, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है बाय वेज ऑफ पैसेंजर फेयर, उस स्टेशन को और अपग्रेड करने की जरूरत है. मुझे खुशी हो रही है कि 7 तारीख को मैं वहां पे एक एस्केलेटर और 2 लिफ्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन अफसोस की बात है कुछ ही दिन में वो खराब हो गया. तो जो क्वालिटी मेंटेनेंस है उसकी तरफ रेलवे को ध्यान देनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी करके सही दुरुस्त करना चाहिए.
इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 400 वंदे भारत खुलना है, किशनगंज जो है ज्योग्राफिकली इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेशन है, जो बिहार बिहार को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को, ईस्ट इंडिया को मेन इंडिया से जोड़ती है, तो उसको नजर में देखते हुए मैं चाहता हूं रिक्वेस्ट करना कि एनजेपी टू पटना एनजेपी एक ट्रेन खुले, उसी तरह दूसरा एनजेपी टू हावड़ा बैक एनजेपी एक ट्रेन वंदे भारत खुले, और कटिहार गुवाहाटी कटिहार एक और तीसरा वंदे भारत हो, और साथ ही शताब्दी ट्रेन्स कई इम्पोर्टेंट रूट्स में है। मेरी गुजारिश होगी कि एक एनजेपी वाया किशनगंज टू पटना हो और पटना टू एनजेपी हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले ही कहा ये बॉर्डर एरिया हिंदुस्तान का उससे मेन लैंड को जोड़ता है, और पटना और किशनगंज और एनजेपी की ट्रैफिक रेलवे में काफी है, इसलिए इसमें हम लोग को जोड़ने की जरूरत है। और साथ ही मैं चाहता हूं कि किशनगंज में जो कि एक शहर है और स्टेशन बीचों शहर में है, आधा हिस्सा ईस्ट में है आधा हिस्सा वेस्ट में है, और रेलवे ट्रैक से सटा हुआ नेशनल हाईवे है सर, और फ्लाईओवर नहीं होने के कारण बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि शहर में दो फ्लाईओवर्स हो, एक रुईधासा मैदान के तरफ और दूसरा टेगरिया के तरफ, और साथ ही वहां पे गुड्स ट्रेन रुकती है, सीमेंट वहां पे उतारा जाता है, जिससे प्लीज कंक्लूड सर, जस्ट हाफ ए मिनट, सीमेंट के तरह सीमेंट वगैरह वहां पे उतारा जाता है, जिसके वजह से पोल्यूशन बहुत होता है, और पोल्यूशन ही नहीं ट्रैफिक जैम भी इसके वजह से होता है। तो मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से कि आगे वहां से अबाउट अ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द जो प्रेजेंट स्टेशन है वहां पे रेलवे की जमीन है, अगर वहां पे उपलब्ध करा दिया जाए ताकि गुड्स वहां पे चढ़े उतरे, तो इससे किशनगंज और किशनगंज के लोगों को काफी सुविधा होगी। आपने मुझे मौका दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। The minister is in Rajya Sabha right now, sir.